गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन इंग्लिश क्लास। सो प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 24। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, माय ट्रीज विद एवरेज। ट्रीज मींस होता है जो दो लोग एक टाइम और एक प्लेस दोनों की चीज दोनों चीजें फिक्स कर लेते हैं कि हाँ हम इस टाइम पर और इस जगह पर मिलेंगे, तो वो होता है ट्रीज। अभी यहाँ पर ट्रीज का क्या मतलब है? यहाँ पर ट्रीज का मतलब ये है, वो दो लोग कौन है? माउंट एवरेज और मिस जो हमारी बचेंद्री पाल है, जो पहली इंडियन वुमन रही माउंट एवरेज पर चढ़ने वाली, उनका, ठीक है, यानी माउंट एवरेज और जो बचेंद्री पाल है उनका मेल नाम, ये है ट्रीज। ठीक है, चलिए इसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड से पहले हम वो कर लेते हैं। मेल्टेड मीन्स पिघलना, इंटेंस मीन्स स्टीप, पेस मीन्स गति, स्टीप मीन्स खड़ी चढ़ाई, ब्रिटल मीन्स सख्त लेकिन आसानी से टूटने वाला, विजिबिलिटी यानी कि दूर तक दिखना। ठीक है, चलिए देखिए ये जो चैप्टर है ये क्या बताता है कि आखिर में यानी कि जो बचेंद्री पाल जी हैं उन्होंने क्या किया, जो अपना पूरा पूरा जर्नी है उसका जो लास्ट में था, जिस दिन वो अपना माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली थी उस दिन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ये चैप्टर उसी का डिस्क्रिप्शन है। ठीक, तो क्या होता है, 5:30 बजे के करीब वो निकलती, वो होती हैं, एक तो बचेंद्री पाल हैं और एक और हैं, कौन है, आंग डोरजे, ठीक है, और उनके साथ एक और होते हैं लूटो, वो होते हैं। तो 5:30 बजे के करीब वो अपने टेंट से निकलती हैं एंड डोरजे, और वो दोनों स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी वहाँ से। ही वांटेड टू स्टार्ट अर्ली बिकॉज ही हैड टू रिटर्न ऑन द सेम डे। एंड डोरजे जल्दी निकलना चाहते हैं जिससे कि जल्दी से उसी दिन वो आ सके। ठीक है, और जो एंड डोरजे हैं वो बिना ऑक्सीजन के जा रहे होते हैं। एट 6:20 AM द टू ऑफ देम स्टेप्ड आउट ऑफ द साउथ कॉल। 6:20 पर वो साउथ कॉल से बाहर निकलते हैं। इन लेस देन 2 आवर्स दे रीच द समिट कैंप, और 2 घंटे से भी कम समय में वो समिट कैंप पहुंच जाते हैं। बचेंद्री पाल वॉज नॉट फीलिंग टायर्ड एट ऑल, और बचेंद्री पाल पूरी एक्साइटेड थी, उन्हें बिल्कुल भी थकावट नहीं होती थी। शी वॉज इन हाई स्पीड, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। दे रेस्टेड बिलो द समिट कैंप एंड हैड टी, फिर उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उन्होंने चाय वगैरह पी। अ थर्ड क्लाइंबर लूटो रीच्ड देयर बाय दैट, तभी भी उनका जो थर्ड जो एक और उनको कंपेनियन था वो भी आए। ही इंक्रीज बचेंद्री पाल ऑक्सीजन सप्लाई विच बूस्टेड हर स्टैमिना एंड मेड क्लाइंबिंग इजियर। उन्होंने क्या किया कि लगा कि ये ऑक्सीजन जो है उनकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, जो भी एवरेज पे एवरेज नहीं कोई माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो ऊपर की साइड और ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सभी को जरूरत होती है। तो उन्होंने लोटो ने बचेंद्री पाल का ऑक्सीजन सिलेंडर जो था थोड़ा सा और उसको बढ़ा दिया, फिर उनको अंदर और जैसे कि बूस्ट हो जाता है ना स्टैमिना, वैसे बूस्ट हो गया बचेंद्री पाल में, और फिर वो और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अच्छी स्पीड से वो आगे बढ़ी। पावर स्नो ब्रॉड विजिबिलिटी टू ऑलमोस्ट नाइट, लेकिन वहाँ पे क्या थी, एकदम हवा में घुलने वाली जो बर्फ होती है वो थी, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज, और जो हवा थी बहुत तेज़ी से हो रही थी। पावर स्नो ब्रॉड विजिबिलिटी टू ऑलमोस्ट नाइट बट सून थिंग्स इजी आ, और जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो गई। विद रेन्यूड विगर शी रिज्यूम द क्लाइम एंड एट 1:07 PM और 1:07 पर 23 मई 1984 में ही स्टूड ऑन टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ओके, जो उनका सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, तो 1:07 पर यानी कि दिन के 1:07 पे 23 मई 1984 में वो माउंट एवरेस्ट पे खड़ी थी। ठीक है, तो ये थी हमारी जर्नी, बताया उन्होंने अपनी जर्नी जो बताई है वो सारी थी। तो आई होप ये अगर आप भी इसको इस चैप्टर को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़िए। देखिए अगर आप जितना पढ़ेंगे आपको ये उतना समझ में आएगा। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे काफ़ी कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तब आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके हम एकदम मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आपके टिक द मार्क में फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का सी और थ्री का डी। मैचिंग में होगा फर्स्ट बी से मैच होगा, सेकंड डी से, थर्ड ई से, फोर्थ ए से, फाइव सी से। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और आपको पता ही है कि पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर हम आपको भेज देंगे, और ये वाला आपको एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। एंड थैंक यू बच्चों।